इशरत जी बेगम साहब, अफान को लेके तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो उसको सोने का टाइम है। बेगम साहबा, अफान साहब रो रहे थे तो सोबिया बीबी ने बोला इनको बाहर ले जाओ, तो इसलिए मैं नीचे लेकर आ गई हूँ। रो क्यों लो था मेरा? अरे तो बहुत गर्म हो रहा है जी, इसको बहुत तेज बुखार है जी। बुखार है बीबी, ठहरे मैं अरमान को फोन करूं। अरे अरमान, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी, देखो उसको कितना तेज बुखार है। आई थिंक वी हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ साहब जी, अफान बाबा को बुखार है, सोविया बीबी ने आपको मना कर दिया था फोन करने से, इसलिए मैंने फोन नहीं किया आपको, कह रही थी तंग नहीं करूँ आपको। मेरा बच्चा यहाँ बुखार में तप रहा है और उसे आराम की पड़ी है। माँ बनने का बड़ा शौक है तुम्हारी बीबी को, लेकिन उसके सीने में ममता का दिल नहीं, खुद तो सो रही है प्रिंसेस, और इस हालत में उसने उसको बाहर भेज दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अम्मा मैं उसे देख कर आता। नहीं अभी छोड़ो बेटा, अभी तो उसको हम फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। चलो ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकालो। डॉक्टर अफान कैसा? फिलहाल तो लीवर इन्फेक्टेड लग रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि दूध पीने में कुछ मुश्किल पेश आए। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हम अफान को एडमिट करा दें? फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, दो दिन में आपको इसकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगी, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसे दोबारा लेके आ जाइएगा आप। वैसे एक मशवरा देना चाहूँगी, माँ की मौजूदगी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, हो सके तो अफान की मामा को उनके साथ ले आएँ। आप तो जानती हैं बच्चे की केयर माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकेगा, अगर मुनासिब समझे तो। मेरे ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। मैडम शायद आपको मेरी बात बुरी लग गई, लेकिन डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो पेशेंट की बेहतरी के लिए बात करे। डॉक्टर आप इसकी फिक्र ना करें, विल टेक गुड केयर ऑफ हर सर। प्लीज़ कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ चाहिए तो? हाँ मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के देती हूँ, आप आएँ। मैं अफान, तुम जाके मेडिसिन आई आप ठीक।